वो तो बता दिया क्या, बाप और दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। बाप कौन और दादा कौन? राम और कृष्ण। राम वाली आत्मा बाप, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ऐसे कहीं मुरली में बोला कृष्ण बाप को कहा जाता है, राम बच्चे को कहा जाता है? कहीं बोला मुरली में? नहीं बोला। माने राम वाली आत्मा जो है वो बाप के रूप में पाठ बजाती है, मनुष्य सृष्टि का बाप। और कृष्ण वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि की शुरुआत में ही अव्वल नंबर का प्रिंस अर्थात बच्चे का पाठ बजाता है। तो ये दोनों आत्माएं अभी ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में मौजूद है। बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी कोई न कोई बच्चे में प्रवेश करके पाठ बजाती है। ब्रह्मा को सितारा कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है या चंद्रमा कहा जाता है? चंद्रमा कहा जाता है। ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण हो गई या अधूरी है? अभी भी अधूरी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। सूक्ष्म शरीर का बंधन भी है तो भी अधूरापन कहेंगे, संपूर्ण नहीं कहेंगे। सूक्ष्म शरीर का भी बंधन खत्म हो जाए, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तेज बन जाए तो वो अधूरा चंद्रमा जिस ब्राह्मण के अंदर प्रवेश करके पाठ बजाता है उसकी यादगार में शंकर के मस्तक में क्या दिखाते हैं? अर्धचंद्र दिखा। अर्धचंद्रमा संपन्न आत्मा नहीं है, इसलिए क्यों नहीं है संपन्न? अभी तक भी संपन्न क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एडवांस की पढ़ाई उसकी भी पूरी नहीं हुई है। कृष्ण की आत्मा भी इस समय पढ़ाई पढ़ रही है, कृष्ण बच्चा है, इसके द्वारा पढ़ रही है। जो बाप टीचर सदगुरु का एक ही व्यक्तित्व का पार्ट है। क्या? मैं बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सदगुरु भी हूँ, एक ही रूप से तीनों हूँ। ये नहीं कहा मैं माँ भी हूँ, किसी मुरली में बोला क्या कि मैं माँ भी हूँ, मैं बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सदगुरु भी हूँ? माँ नहीं बोला। इसका मतलब माँ का पार्ट अलग, उसका नाम ही है ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। शास्त्रों में जो भी शब्द है वो अर्थ सहित शब्द है, जैसा काम वैसे नाम पड़े। शास्त्रों में ऐसे ही नाम थोड़े रखे गए। तो ब्रह्मा के रूप में माँ के रूप में जिसने सहनशीलता पूर्वक पार्ट बजाया, भले अपना हार्ट फेल हो गया लेकिन बच्चों को दो शब्द कभी भी नहीं बोले। इतनी सलोनी माँ का पार्ट दुनिया में और किसी ने बजाया होगा क्या? कृष्ण की सोल के द्वारा ये पार्ट चला, क्योंकि उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके वो माँ का पार्ट बजा रहा था। तो माँ का पार्ट था बाप टीचर और सदगुरु का पार्ट नहीं। बाप का काम होता है आदि में बीजारोपण करना, ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए लेकिन वो तो परेशान हो गए, गुरु से पूछा उसने मना कर दिया, वाराणसी में गए विद्वान पंडित आचार्यों से उनको संतुष्टि नहीं हुई तो भटकते रहे। इसका मतलब साक्षात्कार होना कोई ज्ञान होना, ज्ञान का बीजारोपण नहीं हुआ। ज्ञान का बीजारोपण तब हुआ जब अपनी गद्दी पर पहुंचे कलकत्ते। जिन बच्चों के लिए बोला है मुरली में, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, वो बच्चे अभी यज्ञ में नहीं है। कारण या कारण चले गए, राम फेल हो गया, बोलते ही नहीं।
वो आत्मा जो यज्ञ के आज में जिनमें पहले पहले शिव ने प्रवेश करके बाबा के ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ खोला था वो ही ज्ञान का बीज रोपण हुआ ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में, क्योंकि प्रैक्टिकल में साक्षात्कार हुए थे। ये पक्का बैठ गया मैं कृष्ण बनने वाला हूँ क्योंकि कृष्ण का साक्षात्कार उनको हुआ। मैं विष्णु बनने वाला हूँ क्योंकि विष्णु का साक्षात्कार उनको हुआ। इस दुनिया का विनाश होने वाला है, विनाश का साक्षात्कार हुआ तो भले रो पड़े लेकिन साक्षात्कार तो उन्हीं को हुआ ना, उस व्यक्ति को तो नहीं हुआ जिसके द्वारा ये साक्षात्कार होगा। ऐसे खोला गया, ज्ञान का बीज डाला गया, तो बीज आरोपण करने वाला पिता है। इसलिए संस्कृत वाली गीता में भी आया, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। काहे का बीज? ज्ञान का बीज बोए। वो ज्ञान का बीज बोने वाला बाप यज्ञ के आज में ही चला गया बीज बोकर, क्योंकि आज में जो पाठ है वो काम खत्म हुआ तो रहकर के क्या करेगा। बीज डाल दिया गया धरणी में, धरणी माने माता, माता माने ब्रह्मा। अब वो बीज है वो तो पैदा हुआ कि नहीं, तो पनप गया। सन 68 तक ब्राह्मणों की ढेर पैदाइश हो गई उस बीज से। ब्रह्मा से कौन की किसकी पैदाइश होती है? ब्रह्मा से ब्राह्मण निकले मुख से, मुख का ज्ञान सुनकर। हाँ, ये बात दूसरी है, कोई कुखवंशावली बने कोई मुखवंशावली बने, कोई ने मुख से निकले हुए ज्ञान को प्रियोरिटी दी, महत्व दिया। जो मुख से मुरलियां निकली उन मुरलियों को अपने जीवन की लाठी बनाया, और कोई ने मुख से निकली हुई वाणी को अपने जीवन की लाठी नहीं बनाया, ब्रह्मा बाबा के शरीर को लाठी बनाया। ब्रह्मा बाबा के शरीर को चेहरे को ही देखते रहते थे, ज्ञान व्यान सुनने जैसे भूल जाते थे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी यज्ञ की दुनिया में प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई उसके ऊपर उनकी नजर थी। नजर थी तब तो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बाबा की जानकारी के बगैर बना लिया, बाबा को हवा तक भी नहीं लगने दी और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट तैयार हो गया। उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के आधार पर ये सारी संस्था जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वो चल रहा है। वो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट का अगर भंडाफोड़ हो जाए तो पूरी संस्था अभी अपंग हो जाएगी। लेकिन वो तो ड्रामा बना हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि दुर्योधन आया भगवान से मांगने और अर्जुन भी आया भगवान से मांगनी मांगने। क्या मांगा अर्जुन ने? मांगा वो दुर्योधन ने नहीं मांगा। दुर्योधन ने मांगा हमें आपका धन संपत्ति सेना महल माणिया अटारियां राज्य सब चाहिए, तब हम जीत के दिखाएंगे। ये धर्म युद्ध और कर्म युद्ध। और अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। अलग को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को दे दी। यज्ञ के आदि में दोनों ही भागीदार थे ना, कौन? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, उन्होंने अपनी धन संपत्ति लगाई दुकान में, और जो भागीदार था उसने अपना तन और बुद्धि लगाई। जो रत्नों की दुकान थी उसे चलाने के लिए, तो भागीदार तो दोनों हुए ना। तो रेल का राही कौन हो गया? उस समय की बात है यज्ञ की याद की। अलफ कौन हुआ?
जो आज में भी खड़ा हुआ था अंत में भी खड़ा हुआ है, और अंत तक जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं होगी, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा, तब तक खड़ा रहेगा। खड़े हुए डंडे को कहा जाता है अलग, बिंदु अलग चीज, बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। बिंदु कौन है, अलग कौन है, और बे कौन है? बे माना पड़ा हुआ डंडा, उर्दू में अलग। बिंदु को नहीं कहा जाता, खड़े डंडे को अलग कहा जाता, बिंदु को नुक्ता कहा जाता, पड़े डंडे को बे कहा जाता। तो पुरुषार्थ करते करते कौन पड़ गया और कौन अंत तक खड़ा रहता है, और कौन अंत तक बिंदु का बिंदु ही बन करके रहता है, और बिंदु बन करके ही वापस चला जाता है, फिर इस दुनिया में वापस नहीं आता, कौन है? शिव है, ज्योति बिंदु, अलफ है राम वाली आत्मा, और बे है कृष्ण वाली आत्मा। तो ये तीन जो बातें बताई, अक्षर अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को देखो, माना ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की सारी संपत्ति, सारा कारोबार उनके हाथ में सौंप दिया, और खुद रास्ता लिया, क्या समझ के? अरे हमें तो भगवान मिल चुका, मैं तो परमात्मा बाप का मुकर्रर रथ हूं। दो रथों की बात की है बुढ़िया में, कौन कौन से दो रथ? मुकर्रर रथ और टेम्परेरी। टेम्परेरी माने आग है कल नहीं, कल नहीं रहेगा, और मुकर्रर माने आज भी है, रहेगा, बीच में भी रहेगा, और अंत में भी रहेगा, उसको कहते हैं मुकर्रर।